नमस्कार। खुद को महंत बताने वाला सीताराम दास इस वक्त सलाखों के पीछे है। उस पर आरोप है कि एक नाबालिग लड़की को शराब पिलाकर उसके साथ बलात्कार किया गया। यही वजह है कि सीताराम के खिलाफ पूरे देश में आक्रोश देखा जा रहा है। इसी बीच सीताराम पर बड़ी कार्रवाई करते हुए उसके घर पर बुलडोजर चला दिया गया है। प्रशासन के बुलडोजर ने उसके घर को पूरी तरह से ढा दिया और जमींदोज कर दिया। सीताराम के सहयोगी विनोद पांडे के घर पर भी बुलडोजर की कार्रवाई हुई है। पूरा मामला मध्य प्रदेश के रीवा का है। दरअसल सीताराम पर आरोप है कि उसने 28 मार्च को सतना जिले की एक नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर उसे पहले सर्किट हाउस ले गया, वहां पर उसने खुद भी शराब पी और फिर लड़की को जबरन शराब पिलाई। इसके बाद उसने युवती को कमरे में बंद कर दिया और उसके साथ जबरदस्ती की। बाबा की इस हरकत का शिकार हुई लड़की को उसके चेले कहीं दूर लेकर जा रहे थे, लेकिन लड़की मौका देखकर गाड़ी से कूद गई और सीधा पुलिस के पास जा पहुंची। पॉक्सो एक्ट के तहत पूरा मामला दर्ज कर पुलिस ने आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है और इसी सिलसिले में सबसे पहले विनोद पांडे को गिरफ्तार किया। इसके बाद 30 मार्च को फरार चल रहे बाबा सीताराम दास उर्फ समर्थ त्रिपाठी को भी सिंगरौली से धर दबोचा गया। पुलिस ने आरोपी सीताराम और उसके सहयोगी विनोद का जुलूस निकाला और पैदल चलवाकर न्यायालय तक लेकर आई। फिलहाल उसके खिलाफ आगे की कार्रवाई की जा रही है। इस पूरे घटनाक्रम पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बारीकी से नजर बनाए हुए हैं। सुनिए इस पूरे मामले पर उन्होंने क्या कुछ कहा था। बहरहाल आपका इस पूरी खबर पर क्या कहना है, कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर दें। इसके बारे में मैंने आज पढ़ा है और वो घटना भी यहाँ के राज निवास में हुई है। एक बात साफ सुन लें, बेटी के साथ अगर किसी ने दुराचार किया तो किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ा जाएगा, पूरी तरह से कुचल दिया जाएगा। जो गुंडे हैं, जो बदमाश हैं, जिनने ऐसी हरकत की है, मैं कहना चाहता हूं कहां कलेक्टर और एसपी, कहां आईजी, ये बुलडोजर कब काम आएंगे? करो इनको जमुई दोज, पूरी तरह से तोड़ दो ऐसे गुंडों और बदमाशों को जो बहन और बेटी की तरफ गलत नजर उठा के।